हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के यूज़ की। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, उसका क्या सिंटेक्स होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें स्विच स्टेटमेंट में जो चीज़ें आपको यूज़ करते टाइम ध्यान रखने वाली हैं, वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप जो है अच्छी तरह समझ लीजिए। तो यू कैन से कि यूज़फुल ट्रिक्स अबाउट द यूज़ ऑफ About the uses of switch statement. Switch statement को use करते टाइम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और ये बहुत important है। देखिए, पहला point हम लेते हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट है, तो अभी तक उन्होंने क्या डिस्कस किया था उसके सिंटेक्स में कि केस वन, केस टू, केस थ्री इस तरह, और लास्ट में हमने डिफॉल्ट दिया था, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आपने मान लीजिए आपने स्विच स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ये आपने स्विच स्टेटमेंट दिया आई के लिए, और अभी तक हम लोगों ने जो जैसे ऐसे केस वन ये लिखा था, फिर केस टू ये लिखा था, फिर केस थ्री ये लिखा था, है ना, और फिर हमने यहाँ पे लिखा था डिफॉल्ट, ऐसे करके लिखा था हमने। तो इससे एक ये इम्प्रेशन जा रहा है कि सब ये वन टू थ्री ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और ना तो यही ज़रूरी है कि ये वन टू थ्री इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं केस के लिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ केस वन की जगह आपने इसको से सपोज कीजिए, कोई भी आप केस आपने दे दिया से, आपने इसको कहा कि सर ये केस 22 लिख दिया आपने, ठीक, यहाँ आपने केस 104 लिख दिया, यहाँ आपने केस कुछ और लिख दीजिए से 15 लिख दिया, और फिर आपने डिफॉल्ट लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आई की वैल्यू जब भी 22 होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, 104 होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे बाहर आ जाएगा, 15 होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे फिर प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाएगा, और अगर इन वैल्यूज में से कोई नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाहर आ जाएगा। पहली चीज तो ये आपको क्लियर करनी थी। सेकंड आप आ जाइए कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो स्विच स्टेटमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे केवल इंटीजर ही लिया था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम करेक्टर वैल्यूज को भी स्विच केस में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया मेन, यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया कोई करेक्टर से करेक्टर सी इक्वल टू, आपने इसको वैल्यू दे दी एक्स, ठीक है, तो आप इस सी के लिए भी आपने यहाँ लिखा स्विच और यहाँ आपने लिख दिया सी, और फिर जैसे आप स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। तो केवल इंटीजर वैल्यू के नहीं, यहाँ पे आप करेक्टर के लिए भी स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट तो ये हो गया। अब आप आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि वी कैन मिक्स इंटीजर एंड करेक्टर कॉन्स्टेंट्स इन डिफरेंट केसेस ऑफ ए स्विच। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने मेन डिक्लेयर किया, इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर सी इक्वल टू थ्री, ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट यूज किया स्विच इसके लिए सी के लिए स्विच सी, और यहाँ पे हमने देखिए एक केस दिया तो हमने सी में वैल्यू किस केस के लिए यहाँ लिख लिया वी, इसको हमने करेक्टर कांस्टेंट बना दिया कोट्स में करके और स्टेटमेंट्स दे दिए। फिर आपने कहा सर दूसरा हम लिख सकते हैं केस फोर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं केस फोर करके आपने दे दिया, आपने यहाँ स्टेटमेंट्स दे दिया, और फिर आप डिफॉल्ट डिफॉल्ट दे के जैसे बंद करते हैं, आपने यहाँ कहा डिफॉल्ट और जो भी स्टेटमेंट देना दे के आपने बंद कर दिया। तो सेम स्विच स्टेटमेंट में सी के लिए आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं और ये करेक्टर कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, दिस इज अलाउड, क्लियर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आप आ जाइए कि समटाइम्स देयर मे नॉट बी एनी स्टेटमेंट इन सम ऑफ द केसेस इन स्विच बट स्टिल दे माइट टर्न ऑन टू बी यूजफुल। मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि किसी केस में जरूरी नहीं है कि हम कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन उनको देना इसलिए जरूरी रहता है कि मान लीजिए अगर किसी यूजर ने वो एंट्री कर दी
ठीक है, तो भी वो केस एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज कीजिए हमने ऐसे लिखा स्विच, कोई वेरिएबल ले लिया सी एच, यहाँ पे हमने केस लिखना शुरू किया। तो मान लिया हमने पहले लिखा केस ए, अब केस ए में हमने यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा केस ए और फिर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया और ब्रेक, जैसे जैसे आप लास्ट में ब्रेक देते हैं ब्रेक दे दिया आपने। फिर आपने यहाँ पे लिखा केस बी, अब जब भी आप कैरेक्टर यूज करेंगे तो आप उनको ऐसे कोट्स में करके कांस्टेंट बना दीजिएगा, ऐसे केस बी में हमें कुछ नहीं देना है, छोड़ दीजिए। फिर हमने कहा केस कैपिटल बी, तो जो भी स्टेटमेंट आपको देने हैं वो आप दे दीजिए। तो होता क्या है, फिर यहाँ पे आप ना जैसे डिफॉल्ट देते हैं वो दे दीजिए और प्रोग्राम यहाँ स्विच बंद कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, आप कहेंगे सर फिर ये ए और बी और देने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि कभी कभी इन केसेस को देना यूजफुल रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वी आर मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट दैट वंस ए केस इज सेटिस्फाइड द कंट्रोल सिंपली फॉल्स थ्रू द केस टिल इट डज नॉट एनकाउंटर ए ब्रेक स्टेटमेंट। दिस इज वाई इफ एन अल्फाबेट ए इज एंटर्ड द केस ए इज सेटिस्फाइड। तो जब आप ए देंगे तो क्या होगा कि कंट्रोल सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई ये केस यहाँ पे चला गया कंट्रोल प्रोग्राम का। एंड सिंस देर आर नो स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन दिस केस द कंट्रोल ऑटोमेटिकली रीचेज द नेक्स्ट केस। तो जब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कंट्रोल क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंच के इनको एग्जीक्यूट करके वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक, एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट, क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको स्विच स्टेटमेंट को यूज करते टाइम आपको ध्यान में रखने होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ जाइए, सपोज कीजिए फिफ्थ। इसमें क्या है कि इवन इफ देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन ईच केस देर इज नो नीड टू एनक्लोज दीज विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। मतलब कि किसी केस में अगर आपको कई स्टेटमेंट देने हैं, दो तीन चार पांच चाहे जितने स्टेटमेंट, तो उनको आपको किसी, जैसे आपने कहा से केस वन लिखा आपने और स्टेटमेंट वन लिखा, फिर टू लिखा, थ्री लिखा, चार पांच जितने भी स्टेटमेंट देने हैं और फिर आपने यहाँ ब्रेक कर दिया, तो इन स्टेटमेंट को किसी ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, नो नीड टू पुट दीज स्टेटमेंट इन टू ए ब्रैकेट और पैरेंथेसिस चाहे जितने भी स्टेटमेंट्स हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाइए। इफ वी हैव नो डिफॉल्ट केस देन द प्रोग्राम सिंपली फॉल्स थ्रू द एंटायर स्विच एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एनी दैट फॉलोज द कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर आप डिफॉल्ट केस नहीं देंगे तो क्या होगा कि इट कंटिन्यूज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट फॉलोज द कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इफ स्विच इज स्विच ए रिप्लेसमेंट फॉर इफ, मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट है, तो इसको हम मान सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट ऑफर्स ए बेटर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एज कंपेयर टू इफ, एंड नो बिकॉज इन सर्टेन सिचुएशन वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू यूज इफ। द डिसएडवांटेज ऑफ स्विच इज दैट वन कैन नॉट हैव ए केस इन ए स्विच विच लुक्स लाइक यस। मतलब इसको आप इफ स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट तो मान सकते हैं लेकिन सब जगह पे नहीं। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे मान लीजिए हमको देखना आई इज लेस देन 20, तो इफ के साथ तो हम फटाक से लिख देते हैं इफ आई इज लेस देन 20 डू दिस, लेकिन स्विच में ऐसा कोई केस आप नहीं इस्तेमाल कर सकते कि आपने स्विच आई इज लेस देन 20, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कुछ जगह पे आप यूज कर सकते हैं इफ को रिप्लेस करने के लिए लेकिन सारी जगहों पे नहीं। ऐसे ही केस में जो हम आई जो यूज करते हैं, हम लोग जो ऐसे लिखते हैं स्विच आई, तो इस आई की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, एक्सेप्टेड है, मतलब इंटीजर कांस्टेंट कह लीजिए, या कैरेक्टर कांस्टेंट है तो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन ये फ्लोट नहीं हो सकती। स्विच में काउंटर वेरिएबल फ्लोट नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कहीं हम स्विच का स्टेटमेंट करते हैं और कहीं इफ का करते हैं। एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ स्विच ओवर इफ दैट इट लीड्स टू ए मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एंड द लेवल ऑफ इंडेंटेशन इज मैनेजेबल।
मोर सो इफ दे आर मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन ईच केस ऑफ ए स्विच। तो स्विच के स्टेटमेंट से फायदा ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो बेटर स्ट्रक्चर्ड रहता है, इफ एल्स में और उसमें ये कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखिए क्या है कि द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन यूज्ड इन ए स्विच टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच, हाउएवर यूज ऑफ कंटिन्यू विल नॉट टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ स्विच एज वन इज लाइकली टू बिलीव। तो जब स्विच में आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट तो वही काम करता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच से बाहर ले जाता है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट ये काम नहीं करता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच के शुरू में ले जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, लूप के टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि लूप में तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम का कंट्रोल स्टार्टिंग में ले जाता है, लेकिन स्विच के केस में कंटिन्यू ये काम नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाइए कि अगर इन प्रिंसिपल हम सिद्धांत रूप से माने तो स्विच में अकर विद इन अनदर बट इन प्रैक्टिस इट इज रेयरली डन। तो लॉजिकली या थ्योरेटिकली तो मान सकते हैं कि मान लीजिए हमने स्विच के एक्स दिया और इसके अंदर हम दूसरा स्विच लगा दें वाई, लेकिन प्रैक्टिकली ये मतलब समझिए नहीं किया जाता है या रेयरली डन। ठीक, सच स्टेटमेंट वुड बी कॉल्ड नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो फिर उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। लेकिन अभी आप लोग चूंकि शुरू कर रहे हैं तो आप लोग नेस्टेड स्विच मत कीजिएगा, जब आगे एक्सपर्ट हो जाएगा अपने आप जान जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्या है, द स्विच स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल वाइल राइटिंग मीनू ड्रिवन प्रोग्राम, दिस एस्पेक्ट ऑफ स्विच इज ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब हम मीनू ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई चीज़ पूछा तो उसके चार च्वाइस आ गए, उसमें से एक सेलेक्ट किया बंदे ने तो फिर फर्दर हो गया। जैसे मान लो हमने कहा कि से हमने हमें इस तरह का प्रोग्राम चाहिए कि किसी ने स्क्रीन पे पूछा कि से वेयर डू यू लिव, तो वो डू यू लिव में फिर चार ऑप्शन आ गए, मान लीजिए प्रयागराज आ गया, वाराणसी आ गया, लखनऊ आ गया और कोई और एक डिस्ट्रिक्ट ले कानपुर आ गया। ठीक, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड मीनू ड्रिवन। अब उसमें बंदे ने मान लीजिए तीन सेलेक्ट कर लिया तो फर्दर मीनू आ गया कि योर सिटी इज नोन एज, तो अब आ गया मान लीजिए बंदे ने किया से वाराणसी। ठीक, तो अब उसमें आ गया कि योर सिटी इज ऑल्सो नोन एज काशी, ये तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं दे आर कॉल्ड मीनू ड्रिवन। तो मीनू ड्रिवन प्रोग्राम में अगर स्विच स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं तो हमें काफी आराम भी रहता है और वो प्रोग्राम जो है एक बेटर स्ट्रक्चर्ड वे में बनते हैं। तो आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आप उससे जो है फायदा ले सकते हैं। थैंक यू।